हेलो व्यूवर्स, केबी थिंड क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यवहार परक विश्लेषण। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने व्यक्तित्व मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया है, जिनमें सेल्फ रिपोर्ट और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के विभिन्न परीक्षणों को हमने समझा है। आज हम व्यवहार परक विश्लेषण यानी बिहेवियरल एनालिसिस और इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न विधियों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यवहार परक विश्लेषण क्या होता है। डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस में यानी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति जिस तरीके से व्यवहार करता है, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं देता है, उससे उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करके जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जाता है। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में जो व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार का विश्लेषण या व्याख्या ही व्यवहार परक विश्लेषण कहलाता है। और इस विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति के बारे में बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। एक ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक जो व्यक्ति के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करता है, प्रेक्षण करता है, वो विभिन्न विधियों का प्रयोग करके डेटा कलेक्ट करता है यानी सूचनाएं प्राप्त करता है। ये विधियां हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, निर्धारण यानी रेटिंग, नाम निर्देशन, नॉमिनेशन और स्थिति परक परीक्षण सिचुएशनल टेस्ट। अब हम इन सभी विधियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की। इंटरव्यू वो विधि है जो व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इसमें जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है, उस व्यक्ति से बातचीत की जाती है और इस बातचीत के दौरान उससे कुछ विशेष तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति के और उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे साक्षात्कार जिनका उद्देश्य किसी समस्या का निदान करना होता है या किसी मनोविकार के लक्षणों और कारणों का पता लगाना होता है, उन साक्षात्कारों को नैदानिक साक्षात्कार यानी क्लिनिकल इंटरव्यूज कहा जाता है। और ये क्लिनिकल इंटरव्यूज गहन होते हैं, यानी इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं जिससे व्यक्ति के बारे में विस्तृत और गहराई से जानकारी प्राप्त हो सके। इस तरह के इंटरव्यूज में प्रयोज्य जो भी उत्तर देता है, उन उत्तरों के अतिरिक्त उसकी बॉडी लैंग्वेजेस, उसके फेस एक्सप्रेशंस आदि पर भी नजर रखी जाती है। इंटरव्यू किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है या उसका लक्ष्य क्या है, इसके आधार पर इंटरव्यू दो तरह के हो सकते हैं, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और असंरचित साक्षात्कार यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असंरचित साक्षात्कार यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। संरचित यानी जिसकी रचना की गई हो, असंरचित जिसकी रचना न की गई हो। इस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यानी असंरचित साक्षात्कारों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पहले से प्रिपेयर नहीं होते। जो प्रश्न पूछने वाला होता है यानी साक्षात्कारकर्ता, वो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है, उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता और वो परिस्थिति के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से प्रश्नों की रचना करता जाता है यानी तत्काल ही प्रश्न पूछता जाता है। साक्षात्कारकर्ता जो भी प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न के जरिए वो साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के एक इमेज को डेवलप करने का प्रयास करता है यानी उसकी एक छवि बनाने का प्रयास करता है। साक्षात्कारकर्ता यानी प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति इस तरीके से प्रश्न पूछता है जिससे उत्तर देने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के उद्घाटित होने यानी उसके एक्सपोज होने, उसके एक्सप्रेस होने, अभिव्यक्त होने की संभावना होती है। यानी इस तरीके के प्रश्न पूछता है जिससे उसका पर्सनैलिटी सामने आता है। दूसरे तरह के इंटरव्यूज हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज या संरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार वो साक्षात्कार होते हैं जिसमें प्रश्न पहले से निर्धारित होते हैं, क्या प्रश्न पूछने हैं, प्रश्न की भाषा क्या होगी, प्रश्न किस क्रम में पूछे जाएंगे, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। तो प्रश्न पूछने के लिए एक निश्चित या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जब साक्षात्कारदाता यानी इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति एक से ज्यादा होते हैं, तब उनकी तुलना करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यानी सभी साक्षात्कारदाताओं से एक ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे उनके उत्तरों के आधार पर उनकी तुलना की जा सके। जॉब इंटरव्यूज इसी तरह के होते हैं। उनमें उत्तरदाताओं से कई बार कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि सभी उत्तरदाताओं से पूछे जाते हैं, ताकि उनके उत्तरों के आधार पर उनकी तुलना की जा सके और उनमें से सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता का चयन किया जा सके। अगली विधि है प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन वो विधि है जिसका उपयोग पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। सामान्य सी बात है कि जब हम किसी को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी बातें हमें पता लगती हैं। जब हम किसी व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसकी विभिन्न गतिविधियों, उसके रिएक्शंस और उसके बिहेवियर करने के तरीके को जब हम ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में उसे लेकर यानी उसकी पर्सनालिटी के बारे में एक इमेज बनती है। ये इमेज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज एक परिष्कृत प्रक्रिया है। परिष्कृत प्रक्रिया यानी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, यानी इसके लिए उच्च स्तरीय कौशल यानी स्किल की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा इस तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता। ऑब्जर्वर को वेल ट्रेंड होना चाहिए यानी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, तभी वो किसी व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर उसके व्यक्तित्व को समझ सकता है और व्यवहार की व्याख्या कर सकता है। ऑब्जर्वेशन के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यवहार को एनालाइज करने के लिए गाइडलाइन की जरूरत होती है, साथ ही साथ विस्तृत दृष्टिकोण की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक यानी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के पर्सनालिटी को समझने के लिए केवल क्लाइंट के ही बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि क्लाइंट के परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको और जो घर में आने वाले विजिटर्स हैं यानी जो मेहमान, अतिथि वगैरह हैं, गेस्ट हैं, उनके साथ किस तरह का इंटरेक्शन वो व्यक्ति करता है, उसका ऑब्जर्वेशन भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। क्योंकि इस तरह के ऑब्जर्वेशन से उसे बहुत सारी सूचनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में मिलती हैं। इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार के विश्लेषण के लिए विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ऑब्जर्वेशन मेथड और इंटरव्यू मेथड, इन दोनों ही विधियों का बार बार और व्यापक तरीके से यानी बहुत ज्यादा उपयोग होने के बावजूद इसमें कुछ सीमाएं पाई जाती हैं। ये सीमाएं क्या हैं? पहली सीमा ये है कि इन विधियों द्वारा डेटा कलेक्ट करने के लिए या सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए जिस ट्रेनिंग की जरूरत होती है वो ट्रेनिंग कठिन होती है और टाइम टेकिंग होती है, यानी उसमें समय बहुत लगता है। तो जाहिर सी बात है इस तरह का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्राप्त करना हर एक के लिए संभव नहीं होता। इन विधियों द्वारा वैलिड डेटा प्राप्त करने के लिए यानी ऐसी सूचनाएं जो वैध हों, सही हों, उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक का मैच्योर होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जर्वर यानी जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसकी उपस्थिति से ही जो रिजल्ट्स यानी परिणाम है वो दूषित हो सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य स्वभाव है कि हम किसी अपरिचित या अननोन व्यक्ति की उपस्थिति में अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं जो कि हमारा स्वाभाविक व्यवहार नहीं होता। यानी हम दिखावटी, बनावटी व्यवहार करने लगते हैं, और जब व्यक्ति का व्यवहार दिखावटी, बनावटी या कृत्रिम होगा, स्वाभाविक नहीं होगा, तो उससे जो सूचनाएं प्राप्त होंगी या जो डेटा कलेक्ट होगा वो यूजफुल नहीं होगा, वो अनुपयोगी होगा। अब हम बात करते हैं व्यवहार परक निर्धारण की। व्यवहार परक निर्धारण यानी रेटिंग मेथड। रेटिंग मेथड्स यानी व्यक्ति को उसके गुण के आधार पर रेटिंग देना। इस विधि का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। व्यवहार परक निर्धारण या रेटिंग मेथड उन लोगों से लिए जाते हैं जो कि उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हों जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है, और न केवल अच्छे से जानते हो बल्कि उसके साथ बहुत लंबे समय तक इंटरेक्शन कर चुके हों या जिसको उन्होंने काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व किया हो। ये लोग कौन हो सकते हैं? जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाना है या जिसकी रेटिंग की जानी है, उस व्यक्ति के परिवार के लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स या सहकर्मी। जिस जगह व्यक्ति कार्य करता है वहाँ के कुलीग्स इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि व्यक्ति से न केवल घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, उसको जानते होते हैं, बल्कि लंबे समय तक उसके साथ इंटरेक्शन कर चुके होते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रेटिंग मेथड में करना क्या होता है? रेटिंग मेथड में व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसको कुछ कैटेगरीज में रखने की कोशिश की जाती है। ये कैटेगरीज संख्याएं भी हो सकती हैं और कुछ डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ गुणों के आधार पर संख्या में रेटिंग देनी हो, जैसे मान लीजिए ईमानदारी एक गुण है, उस गुण के आधार पर आपको 1 से लेकर 5 तक किसी व्यक्ति को रेटिंग देनी हो कि आप इस व्यक्ति को ईमानदारी के गुण पर 1 से लेकर 5 तक किस नंबर पर रखना चाहेंगे, उसको क्या रेटिंग आप देंगे। इसी तरीके से वर्णनात्मक शब्द भी हो सकते हैं, जैसे बहुत ईमानदार, मध्यम ईमानदार, कम ईमानदार या बेईमान। इस तरीके से वर्णनात्मक शब्द हैं जिनके आधार पर व्यवहार परक निर्धारण या रेटिंग की जाती है। रेटिंग मेथड के द्वारा किसी व्यक्ति की योग्यता या व्यक्तित्व का निर्धारण जनरली कंफ्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम उत्पन्न करता है। अगर गुणों को या विशेषकों को जिनके आधार पर रेटिंग दी जा रही है ठीक से परिभाषित न किया गया हो, ऐसी स्थिति में भ्रम बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि जिन विशेषकों के आधार पर व्यक्ति को रेटिंग देनी है वो क्लियरली डिफाइन हो, यानी ठीक तरीके से परिभाषित होने चाहिए। रेटिंग मेथड की कुछ सीमाएं होती हैं। पहली सीमा तो ये है कि रेटिंग मेथड में जनरली अभिनतियां प्रदर्शित होती हैं। अभिनतियां यानी कि पक्षपात, यानी जनरली इस तरह की जो रेटिंग्स होती हैं वो बायस्ड होती हैं। क्यों पक्षपात, भेदभाव? ये रेटिंग पक्षपात, भेदभाव या बायस्ड होते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जिन लोगों से हम घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं हम उनके गुणों को ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं और उनके दोषों को छुपा लेते हैं। या समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हम घनिष्ठ रूप से संबंधित हों लेकिन उस व्यक्ति से हम विद्वेष रखते हैं या कोई दुश्मनी हो हमारी, तो हम जानबूझकर उसके नकारात्मक पक्ष को, यानी जो उसके निगेटिव गुण है उनको ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं और जो उसकी अच्छी चीजें हैं उनको छुपा लेते हैं, जिससे परिणाम प्रभावित होते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हम में से ज्यादातर लोग किसी एक गुण पर, चाहे वो गुण पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उस गुण से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसी एक गुण के आधार पर व्यक्ति को रेटिंग दे देते हैं, यानी हमारा सारा डिसीजन सिर्फ एक गुण के आधार पर होता है। इस प्रवृत्ति को हेलो इफेक्ट या परिवेश प्रभाव कहते हैं, यानी जो रेटिंग देने वाले व्यक्ति हैं वो किसी एक ही गुण से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उस व्यक्ति के बारे में अपना सारा निर्णय दे देते हैं। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हेलो इफेक्ट या परिवेश प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा रेटिंग मेथड में एक सीमा ये भी पाई जाती है कि रेटिंग देने वाले व्यक्ति छोर की स्थितियों का परिहार करके मापनी के मध्य में ज्यादातर लोगों को रख देते हैं। यानी मान लीजिए किसी गुण के आधार पर लोगों को 1 से लेकर 5 तक के बीच में रेटिंग देनी है, तो यहाँ पर रेटिंग देने वाले व्यक्ति ज्यादातर लोगों को 3 या 4 यानी बीच के कैटेगरी में रखते हैं, 1 और 5 वाली कैटेगरी में लोगों को नहीं रखते। तो जो साइड्स हैं यानी छोर हैं, बॉर्डर लाइन जो है, उन कैटेगरीज में जैसे 1 या 5 ये जो किनारे वाली जो 2 छोर हैं उन पर लोगों को कैटेगराइज नहीं करते, बल्कि ज्यादातर लोगों को मिडिल की कैटेगरी में, मध्य वर्ग में रखते हैं। इस तरह के पक्षपात को मध्य संवर्ग अभिनति कहा जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर लोगों को छोर पर यानी किनारों पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को रेटिंग स्केल पर मिडिल कैटेगरी से छोड़कर, यानी मिडिल कैटेगरी को बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता है और लोगों को बिल्कुल स्केल के दोनों किनारों पर रख दिया जाता है। इस प्रकार के पक्षपात को आत्यंतिक अनुक्रिया अभिनति कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए ईमानदारी के गुण पर लोगों की रेटिंग करनी है। यहाँ पर 5 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है बहुत अधिक ईमानदार, दूसरी कैटेगरी मध्यम ईमानदार, तीसरी कैटेगरी कम ईमानदार, चौथी कैटेगरी बेईमान और पांचवी कैटेगरी बहुत अधिक बेईमान। इस तरह से मान लीजिए ये 5 कैटेगरीज हैं। तो मध्य संवर्ग अभिनति में स्केल के दोनों किनारों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को मिडिल में, यानी मध्यम ईमानदार या कम ईमानदार में कैटेगराइज कर दिया जाता है। और दूसरी तरह की अभिनति है आत्यंतिक अनुक्रिया अभिनति, जहां पर मिडिल कैटेगरी को छोड़कर दोनों स्केल्स की जो छोर है, किनारे हैं, वहां पर लोगों को कैटेगराइज कर दिया जाता है। यानी व्यक्ति को या तो बहुत अधिक ईमानदार या बहुत अधिक बेईमान, ज्यादातर लोगों को इन्हीं कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के भेदभाव या पक्षपात रेटिंग मेथड में देखने में आते हैं। अगली विधि है नाम निर्देशन यानी नॉमिनेशन। इस तरह के मूल्यांकन का उपयोग भी उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनके साथ लंबे समय तक इंटरेक्शन किया गया हो या जो व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक ग्रुप नॉमिनेशन करता है। तो उस ग्रुप के सभी लोग एक दूसरे के साथ लंबे समय से इंटरेक्शन कर रहे हो और साथ ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो। नाम निर्देशन विधि में जो समूह होता है, उस समूह का प्रत्येक व्यक्ति उस समूह के जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से किसी एक या एक से ज्यादा व्यक्ति को चुनता है। किस लिए चुनता है? इस बात के लिए कि वो उसके साथ डिफरेंट टाइप के काम करने, पढ़ाई करने, खेलने या किसी और काम में पार्टिसिपेट करना पसंद करेगा या पसंद करेगी। मान लीजिए समूह में 10 व्यक्ति हैं। हर एक व्यक्ति को उस समूह के 10 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लीजिए 2 व्यक्तियों को चुनना हो कि किस व्यक्ति के साथ आप विभिन्न प्रकार के कार्य करना, पढ़ना, खेलना, घूमना या बातचीत करना या डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे। आपने किसी व्यक्ति को क्यों चुना, उसका कारण भी बताना होता है। इस प्रकार से लोग जिन व्यक्तियों को चुनते हैं, उनको चुनने के जो कारण बताते हैं, उनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व में जो गुण हैं उनको समझने में बहुत सहायता मिलती है। हालांकि ये जो तकनीक है नाम निर्देशन, नॉमिनेशन, ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय है, लेकिन फिर भी कई बार इसके बायस्ड होने की संभावना होती है। अगली विधि है स्थिति परक परीक्षण, सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाना है, उस व्यक्ति को किसी परिस्थिति में रखा जाता है। उस परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, उस व्यवहार के द्वारा ही उसके बारे में सूचनाएं मिलती हैं। पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्थिति परक परीक्षण बनाए गए हैं, लेकिन उन सारे परीक्षणों में सबसे ज्यादा जिस परीक्षण को यूज किया जाता है वो है स्थिति परक दबाव परीक्षण यानी सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट में व्यक्ति को स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रखा जाता है, यानी ऐसी परिस्थिति जो कि व्यक्ति के ऊपर दबाव डालती है। व्यक्ति उससे स्ट्रेस में आ जाता है और उस दबाव में, परिस्थिति में, यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है, उसी से उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। इस टेस्ट में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है, उसे एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क को उसे कंप्लीट करना होता है। और उस टास्क को वो व्यक्ति अकेले कंप्लीट नहीं करता, बल्कि उसे दूसरे लोगों के साथ मिलकर ऐसा करना होता है। ये जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ व्यक्ति को टास्क कंप्लीट करना है, ये परीक्षणकर्ता के द्वारा, यानी जो व्यक्ति टेस्ट ले रहा है उस व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर भेजे गए होते हैं। और उनका काम होता है कि उस व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करें, उस व्यक्ति को असहयोग करें, यानी उसको काम करने में बाधा पहुंचाएं, उसको किसी तरह का सपोर्ट ना दें, और उन्हें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो उसके काम में इंटरफियर करें, हस्तक्षेप करें, बाधा पहुंचाएं। जब ये लोग उस व्यक्ति के काम में बाधा पहुंचाएंगे, इंटरफियर करेंगे, तो व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाएगा, और जब व्यक्ति स्ट्रेस में आएगा तो जिस तरीके से वो बिहेवियर करेगा उसी से उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगेगा। एक तरीके से ये टेस्ट रोल प्ले की बात करता है, यानी भूमिका निर्वाह की बात करता है, और व्यक्ति को जो भूमिका दी गई होती है उसका उसे निर्वाह करना होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझना है और उस व्यक्ति को कोई काम दिया गया है। मान लीजिए उसे कुछ लकड़ियां दी गई हैं जिससे उसे एक फिगर बनाना है, कोई आकृति बनानी है। अब ये टास्क उसे दिया गया है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसे 2 हेल्पर्स दिए गए हैं, और उस व्यक्ति को ये बताया जाता है कि आपको यहाँ पर लीडरशिप एक्सप्रेस करनी है, यानी ये जो टास्क है उसे आप लीड करेंगे, आपके नेतृत्व में ये दोनों व्यक्ति आपकी मदद करेंगे। और जो हेल्पर्स होते हैं वो परीक्षणकर्ता की तरफ से पहले से समझाए हुए होते हैं, उन्हें पहले से ये बताया गया होता है कि उनको काम में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है, काम में इंटरफियर करना है, बाधा पहुंचानी है। और ये दोनों जो सहायक यानी कि हेल्पर्स हैं, ये एंड टाइम पर काम न कर पाने का झूठा बहाना बनाते हैं, और इस तरह से वो परीक्षार्थी को हताश करते हैं, निराश करते हैं, ताकि परीक्षार्थी की इमोशनल स्टेबिलिटी और लीडरशिप को देखा जा सके। इस पूरे टेस्ट के बाद परीक्षार्थी से एक शाब्दिक प्रतिवेदन यानी कि एक वर्बल रिपोर्ट ली जाती है। ये स्थिति जिसमें टास्क कंप्लीट करना होता है, ये स्थिति वास्तविक भी हो सकती है और वीडियो गेम के जरिए भी इसे क्रिएट किया जा सकता है। सो व्यूवर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद।